Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बॉर्डर के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत बार बार ऑफर कर रही है कि हम फेंसिंग कर रहे हैं, हम बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तान के बारे में ये बात की जाती है कि लोग आते जाते हैं, अब पाकिस्तान से जाकर अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ये भी कहती है कि अफगानिस्तान से अब तो आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, और ये जो अनमैंड से बॉर्डर्स एरियाज हैं यहाँ पर फेंसिंग का काम जारी है। एक तो हम इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में भी हम यकीनन बात करेंगे। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वज़ीरिस्तान में स्पेशली जो शुरू किए गए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, और जिस तरह से पाक फौज इस बॉर्डर को डिफेंड कर रही है पाकिस्तान के अंदर रहकर, उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे ज़रूर इस प्रोग्राम में। अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे, और जो ब्रीफिंग दी जाएगी उस पर भी हम आपको आगाह करेंगे किन नुकात पर हुकूमत पाकिस्तान आजकल सोच रही है कि किस तरह से ताल्लुकात भी बेहतर रखे जाएं, बॉर्डर भी सिक्योर किया जाए, मैनेजमेंट भी की जाए, और फिर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के इस हवाले से उनको भी मीट किया जाए। इस्लामाबाद की बुलंदोबाला इमारतों और खुली शाहराओं के ऊपर हेलीकॉप्टर पर जनूबी वज़ीरिस्तान जाना खासा इंफॉर्मेटिव सफ़र है। पंजाब के बारानी और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर वाना के ऊपर से गुजरता है। वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का हेडक्वार्टर है। ये वही वाना है जो कुछ अर्सा पहले दहशतगर्दों की आमाजगा बना रहा, लेकिन इसी वाना में चंद दिन पहले पाकिस्तान का तराना बड़ी शान से गूंजा था जब वहां पर फुटबॉल के मैचेस हुए थे। हमारी मंजिल वाना नहीं बल्कि पाक अफगान बॉर्डर था। वाना से आगे ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला था। आबादी कम, पहाड़ ज़्यादा और रास्ते महदूद। अलबत्ता वाना से अंगूर अड्डा जाने वाली शाहरा साफ नज़र आ रही थी। इस्लामाबाद से तकरीबन 2 घंटे की परवाज़ के बाद हम हमदा फोर्ट पर लैंड कर गए। पाक अफगान बॉर्डर को मजबूत बनाने और आमद रफ्त को मुनज़म करने की पाकिस्तानी कोशिशों के सिलसिले में ही हमदा फोर्ट यहाँ मौजूद है। ये पाकिस्तानी सरहद पर आखिरी मकाम है। जनूबी वज़ीरिस्तान के बिल्कुल सामने अफगान सूबा पख्तिका का ज़िला बरमिल है, और इस बरमिल ज़िला की शाकिन वैली बिल्कुल हमारे सामने खुली थी, और इस वैली के पहाड़ों पर कुछ अफगान चौकियाँ वादे तौर पर नज़र आ रही थी। हम नाज़रीन बात कर रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, और पाक अफगान बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आते ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो प्रोजेक्ट अब आपके सामने है। ये वो बाड़ है जिसे फेंसिंग कहा जाता है। पाक अफगान बॉर्डर को फेंस किया जा रहा है। इसके बहुत सारे मराहिल हैं, इसकी बहुत सारी स्टेजेज हैं, और इसके बहुत सारे फेजेज हैं। जिस फेज पे हम आज खड़े हैं, यहाँ पर कम से कम आपको नाजरीन बाड़ नज़र आ रही है। सिक्योरिटी इज़ अ प्रॉब्लम, सिक्योरिटी चैलेंज अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। कभी सर्ज होती है फॉरेन ट्रूप्स में, कभी फॉरेन ट्रूप्स कम हो जाते हैं, कभी मफामती अमल शुरू हो जाता है, कभी मफामती अमल बंद हो जाता है। अभी इसी हफ्ते मस्कत में QCG का इजलास हुआ, यानी 4 मुल्क जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बैठे रहे। बात मफामती अमल के हवाले से है। पाकिस्तान की पॉलिसी बारहा बार जो बताई गई है वो यही है कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी, अपने बॉर्डर को सिक्योर करने में कोई कोताही बरत रहा है या पाकिस्तान के ट्रूप्स नहीं हैं। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बॉर्डर फेंसिंग दिखा रहा हूँ, पीछे अफगान चेक पोस्टें दिखा रहा हूँ। ये सारा इंतज़ाम जिस पे बहुत सारा पैसा लग रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि पाक अफगान बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, अफगानिस्तान से जो दहशत
दहशतगर्द उठ के आते हैं, वो पाकिस्तानी शहरियों को शहीद करते हैं, दहशतगर्दी का शिकार करते हैं, वो पाकिस्तान फौज के अफसरान को, पाकिस्तानी जवानों को, वो पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं। इस सारे अमल का मकसद यही है कि पाक अफगान सरहद को सिक्योर किया जाए। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है बल्कि बाढ़ के साथ साथ फोर्ट्स बनाने का भी प्लान है, फिर सर्वेलेंस के लिए टावर्स बनाने का प्लान है। जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट और सरहदी बाड़ लगाने के हवाले से मकामी कमांडर्स ने बताया कि तारीखी लिहाज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हमेशा से सरहद पार करने के बहुत से गैर रवायती रास्ते मौजूद रहे हैं। सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में ऐसे मकामात की तादाद 7 थी, आज इन मकामात में से 6 को बंद किया जा चुका है। मकामी कमांडर्स ने बताया कि तोरखम और चमन बॉर्डर की तर्ज पर जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा वाहिद बॉर्डर पार करने का मकाम बनाया जा रहा है। मकामी कमांडर्स ने यह भी बताया कि सरहद की हिफाजत और निगरानी के लिए 11 कोर के 1432 किलोमीटर के इलाके में 432 कलों की तामीर की जा रही है। इस हवाले से जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में 40 किले तामीर किए जाने हैं जबकि 27 किलों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मकामी कमांडर्स का कहना था कि दिसंबर 2018 तक पाक अफगान सरहद पर एक इंच भी ऐसा नहीं होगा जो हमारी निगरानी में ना हो। चेक पोस्ट के हवाले से मकामी कमांडर्स का कहना था कि जनूबी वज़ीरिस्तान के 106 किलोमीटर सरहदी इलाके में इस वक्त 151 पाकिस्तानी चेक पोस्टें कायम हैं जबकि अफगानिस्तान में अफगान फौज की चेक पोस्टों की तादाद सिर्फ 21 है और वो भी एक मखसूस इलाके तक महदूद हैं। सड़कें ना होने की वजह से इस इलाके तक सामान की तरफ बताया कि रावलपिंडी से यहाँ बाढ़ का सामान लाने के लिए ट्रक को 24 घंटे सफर करना पड़ता है और 1 किलोमीटर बाढ़ का सामान 30 ट्रकों में आता है। फिर भी हुकूमत पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हदायत के मुताबिक बाढ़ लगाने का काम तेजी से जारी है और इस बाढ़ की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, बातचीत तो हम कर रहे हैं, हम आपको आगाह भी कर रहे हैं और विजुअल भी दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब, ये एसोसिएटेड प्रेस के साथ काम करते हैं, अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है। इनसे ज़्यादा इस एरिया से कोई वाकिफ नहीं है, ये मुतअद्दिद बार यहाँ पर आए हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। ज़रा इनकी राय लेते हैं कि पहले हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं, और इस्पेशली जब नई अमरीकी इंतजामिया सदर ट्रंप डू मोर की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान का फ़ायदा होगा अगर पाकिस्तान हमारे साथ मिले, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे, और हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग इज़ वन ऑफ़ द टूल्स ऑफ द सोल्यूशन, बातचीत इनसे करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपके बिल्कुल पीछे ये शकिन वैली है और बर्मल डिस्ट्रिक्ट है और पक्तिका का इलाका है, और जब ये अमेरिकन्स आए थे तो इन इलाकों में खासा बड़ा फसाद हुआ था। उस वक्त भी आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज भी आप हमारे साथ आए हुए हैं, आप कुछ बताएंगे ये जो सफ़र हुआ 17 सालों का कि किसी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं? देखें, ये सब तब्दीली जो है अब 9/11 के इंसिडेंट्स के बाद आना शुरू हुई, और 2003-04 तक यहाँ पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट नहीं थी, यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की मौजूदगी नहीं थी। उस वक्त जब पाकिस्तान पर प्रेशर आ रहा था कि यहाँ से पाकिस्तानी एरिया से पाकिस्तानी तालिबान, अलकायदा और लोकल मिलिटेंट्स जो हैं वो अफगान साइड पर जाते हैं, वो नेटो और यूएस फोर्सेस को टारगेट करते हैं, अफगान आर्मी को टारगेट करते हैं, और ब्लेम पाकिस्तान पे आता था कि पाकिस्तान वो इकदाम उठाने में नाकाम रहा है जिसकी वजह से इस सरहद को सिक्योर किया जा सके। उन दिनों जब हम यहाँ पर आया करते थे तो नॉर्मली हम यही देखते थे कि एक ऑपरेशन जारी है, रॉकेट जो हैं वो फायर हो रहे हैं, हमें यहाँ पर आर्टिलरी भी नज़र आती थी, एयरक्राफ्ट भी नज़र आते थे, गनशिप हेलीकॉप्टर भी नज़र आते थे। आज ये सिचुएशन तब्दील हो चुकी है, आज बज़ाहिर ये एरिया
पुरअमन नज़र आ रहा है। चूँकि यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, ये सरहद के बिल्कुल करीब वाक़िया है। मैं समझता हूँ कि अगर अफगान पाकिस्तान सरहद के ऊपर फेंसिंग मुकम्मल हो जाती है, फोर्ट्स बिल्ट हो जाते हैं, तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि अफगान साइड से मिलिटेंट जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ आकर यहाँ पर सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकेंगे, और साथ ही इसका ये फ़ायदा होगा कि वो इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पे आता रहा है कि हमारी सरहद क्रॉस करने के बाद नेटो फोर्सेस, यूएस फोर्सेस और अफगान आर्मी के ऊपर अटैक्स होते हैं, वो भी नहीं होंगे। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये वायलेंस हमारी इस लाइनों इसकी सरहद के ऊपर जारी था, यहाँ से लोग ट्रैवल करते थे बड़ी आसानी से, फिर वो सेटल्ड एरिया में पहुँच जाते थे, और जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, देहातों में जो अटैक्स होते थे उनके ताने बाने कहीं ना कहीं यहाँ ग्रुप से आके साथ मिलते थे, जो यहाँ से ऑपरेट करते थे। ये बात दुरुस्त है, पाकिस्तान की आपने बताया कि पहले आर्टिलरी नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, ये पीछे टांग का इलाका है, चूँकि हम साउथ वज़ीरिस्तान है, उससे पीछे डेरे इस्माइल खान है, ये फेंसिंग फिर तो हमें पाकिस्तानियों को बचाने के लिए है, हम इसको डूमोर से तो नहीं कनेक्ट कर सकते फिर। ये जो फेंसिंग है इस ये पाकिस्तानियों को भी बचाने के लिए है, और सरहद के उस पार जो अफगान रहते हैं उनको भी बचाने के लिए है। देखें, मैन टू मैन डिप्लॉयमेंट तो नहीं हो सकती, मिलिटेंट्स किसी भी जगह पर मौजूद हो सकते हैं, आखिर तो उन्होंने किसी पॉइंट से इस एरिया को क्रॉस करना होता था। जब आप फेंसिंग कर लेते हैं, और जैसे यहाँ पर हमें ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि फिर कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकेगा, जब यहाँ से बॉर्डर क्रॉस ही नहीं हो सकेगा, तो फिर मिलिटेंट्स को कम अज़ कम इस एरिया से अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको जारी रखने का मौका नहीं मिल सकेगा। बॉर्डर तो बहुत तवील है, अफगान सरहद बहुत तवील है, और इस लंबी सरहद में फिर भी हो सकता है कि कहीं ऐसे पॉइंट रह जाए जहां से वो क्रॉस कर जाएं, लेकिन यूँ नज़र आता है कि पाक अफगान सरहद जो है वो 98% सिक्योर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। नाइन एलेवन के बाद ये नहीं है कि पहली बार पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लिए हैं, हमने फेंसिंग आपको दिखाई है, बातचीत भी सुनाई है, पाकिस्तान तो रेडिली इस वॉर अगेंस्ट टेरर का हिस्सा शुरू से ही बन गया और स्टेप्स लेते रहे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नामवर एंकर पर्सन, तजिया निगार भी हैं, इनसाइट भी है, और इस इशू पे पर्टिकुलरली जिस इशू के लिए हम आज बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे शोज भी किए हैं, ट्रैवल भी किया है। जनाब अरशद शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, क्योंकि आप खुद भी काम कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे, आपके पीछे बिल्कुल अफगान फ्रंटियर है, ये टॉप पे अफगान फोर्ट है, मेरे पीछे पाकिस्तान का फ्लैग है, मैं अपनी सरजमीन में खड़ा हूँ, आप अपनी सरजमीन में खड़े हैं, सबका पर्पज तो यही है कि इस मुल्क को पहले अपने मुल्क को सिक्योर किया जाए। बात की बात है कि कोई फिंगर उठाता है नहीं उठाता, किस हद तक ये सारा अरेंजमेंट मोमिन होगा? शौकत प्राचा, मुझे याद है ऑपरेशन राह निजात जब हो रहा था, आप भी थे, मैं भी थे, हम जब आए थे साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी, और जिन हालात में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे आना मुश्किल था, एक 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 इंच आप कह सकते हैं इस इलाके का क्लियर करवाया गया था। मसलन आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, अगर हम इधर खड़े हैं तो उस वक्त आपको याद होगा कि ख़तरा होता था वहाँ से कोई आरपीजी ना आए, फायर ना आए। आज हालात ये हैं कि हम बिल्कुल सिक्योर फील कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है कि लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं हमारी अफवाज ने, हमारे जवानों ने, और इस इलाके को सिक्योर किया है। और जो दहशतगर्द यहाँ पे थे, बहुत से मारे गए, कुछ भाग गए यहाँ से और अक्रॉस गए, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता रहा कि जनाब आपकी तरफ से ये काम हो रहा है, हालांकि वहाँ पे इंटरनेशनल फोर्सेस तकरीबन 50 मुल्कों की फोर्सेस बैठी थी, दुनिया की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जो उस साइड पे ना बैठी हो, लेकिन काम क्या हुआ, एनडीएस और रॉ के ज़रिए मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में। आज जो इकदाम लिए जा रहे हैं ये पाकिस्तान के फ्यूचर को भी सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में एक नई डेवलपमेंट हो रही है, जो मिडल ईस्ट में हुई दाइश का क्याम किया जा रहा है, उसकी पैटर्नाइजेशन मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही हैं, और जो मदर ऑफ
ड्रॉप ऑल बॉम्ब्स भी गिरा था, उसमें जो हलाकते हैं उसमें पता लगा इंडियंस थे, तो रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें है। और ये फेंसिंग जो है पाकिस्तान को सिक्योर करेगी, बहुत ज़्यादा इन इलाकों को सिक्योर करेगी। ना सिर्फ ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनली इल्ज़ाम आता रहा कि जी यहाँ से मिलिटेंट जाते, हम हमेशा कहते रहे, लेकिन दुनिया को यकीन है। और बिल आखिर ये वाले स्टेप जो इनिशिएटिव है, इससे पहले आपको भी पता है, आप फॉरन ऑफिस भी कवर करते हैं, कि मुतद्दद बार पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया कि जी अफगान साइड पर कर लें, नहीं तो हम करते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। फिर जनरल कमर बाजवा ने ये डिसीजन लिया कि ये फेंसिंग होगी, ये बॉर्डर सील होगा, उस साइड से कोई शख्स इधर नहीं आ सकता, कोई इधर अंदाजी नहीं हो सकती। मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज दे आर स्टिल इन पाकिस्तान, मिलियन, वो सैकड़ों हजारों नहीं है, लाखों की तादाद में पड़े हुए हैं। और अभी ये जो अमेरिकन फैमिली आई, वो भी किसी रिफ्यूजी कैंप में ही उनको लाया जा रहा था। फेंसिंग हम कर लें, बॉर्डर मैनेजमेंट कर लें, लेकिन इन अफगान महाजरीन का अपने वतन बाइज़त वापस जाना भी उतना ही ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पे एक इकोनॉमिक और सोशल बर्डन है, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी समटाइम्स एक हैज़र्ड का सामना करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसके बारे में भी तो सोचा जाना चाहिए आलमी सतह पर। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, आप क्या कहें? बिल्कुल शुक्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे याद है आप उन ब्रीफिंग में जो UNHCR की होती थी 2001-2 में, उसके बाद 2005-6 में फॉरेन ऑफिस की, और तब से ये मसला चला आ रहा है। हम कहते हैं ये 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज जो यहाँ पे बैठे हैं, इनको वापस ले जाएं, आलमी दुनिया को भी हम कहते हैं। उस पर एक तो पैसे भी पाकिस्तान को नहीं मिल रहे, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान उनको होस्ट कर रहा है, अपने अफगान भाइयों को होस्ट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन दुनिया को उस पर कुछ करना है। या तो फिर ये है कि जिसको अफगान रेफ्यूजीज को जिस तरह से इस्तेमाल भी किया जाता है, कुछ कार्ड्स और कुछ जिसकी आड़ में मिलिटेंट भी इन्फिल्ट्रेट होते हैं, एक हार्ड डिसीजन जैसे फेंसिंग का किया गया, फोर्स बनाने का गया, फिर ये एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजा जाए। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज़ टू डू मोर फॉर द अफगान्स, दीज अफगान रेफ्यूजीज, एंड टू रीसेटल देम बैक इनटू अफगानिस्तान। पाकिस्तान की हुकूमत अपने मुख्तलिफ स्पोक्समैन के जरिए बार बार हमें बावर करवाती है कि पाकिस्तान में दाइश का कोई ऑर्गेनाइज्ड वजूद नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद में दाइश का झंडा हम देख चुके हैं, इस्लामाबाद में नारे भी लगाए गए। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, अफगानिस्तान के अनगवर्नड एरिया में दाइश प्रॉप अप हो रही है। खुद अफगान साबिक सदर करजई साहब ने कहा, और जो कहा उन्होंने कहा कि अमेरिकन हथियार जो हैं हेलीकॉप्टरों के जरिए दाइश को मिलते हैं। फिर ग्रेट गेम का मरकज बन रहा है अफगानिस्तान, एज अ फर्स्ट नेबर सारा डिपेंडेंट हम पे करता है अफगानिस्तान, खाने से लेके इन लोगों की प्रॉपर तक। लेकिन हमें इन फेंसेस के जरिए, सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने के जरिए और क्या करना चाहिए कि ये अब पहले और कायदा था, तालिबान TTP थी, अब दाइश कहीं हमारे लिए इतना बड़ा खतरा ना बन सके। शुक्र प्राचे, जिस चीज़ की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, द नेक्स्ट बिग ग्रेट गेम, और हो किधर रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है, जिसमें के आपने करजई साहब का भी बताया कि यहाँ पे दाइश को स्पॉन्सरशिप किस तरह हो रही है, उसमें हमें बाकायदा फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, रॉ के मौजूद हैं, CIA के मौजूद हैं। मिडल ईस्ट में आप देख लें, रशियंस क्या कहते रहे कि वहाँ पे ISIS का क्या है, उसमें रेबल्स के नाम पे जिस तरह से वेपन्स दिए गए, फंडिंग दी गई, वही काम अब अफगानिस्तान में हो रहा है। अब पाकिस्तान ने ये वाले फिजिकल इकदाम तो कर लिए, लेकिन इस पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हमें बहुत कुछ करना है। जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उस हवाले से भी बहुत कुछ करना है। जो एक सोशल मीडिया के ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम कर रही हैं, उस साइड पे भी हमें काम करना है। लेकिन इसके लिए आपको एक सोच चाहिए, एक एहसास चाहिए। एक कुर्बानियों का सिलसिला तो था जो कि हमने देखा है, सरजमीन पे बहुत सारे पाकिस्तानी जवानों का लहू शामिल है इसको सिक्योर करने में, लेकिन उनको अब इफेक्टिवली अगले प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, लेकिन वो सोच अभी तक मौजूद नहीं है। आप नेशनल एक्शन प्लान ही देख लें, उसके जो कंपोनेंट्स थे, जो अफवाज पाकिस्तान ने करने थे, जो सिक्योरिटी रिलेटेड थे, वो तो हो गए, लेकिन जो दूसरा एक प्रॉन्ग था जो सिविलियन गवर्नमेंट ने करना था, उसमें कौन सा एक भी नुकता है जिस पर कि अभी तक अमल दरामद हुआ? हमें वो तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। अब वो कैसे होंगी, कब होंगी, उसका हमें इंतजार होगा। बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब। नाज़रीन बातचीत कर रहे थे, और उस बड़े खतरे की तरफ उन्होंने भी वाज़े इशारा कर दिया जो कि एक ग्रेट गेम की शक्ल में अनफोल्ड हो रहा है। और कहाँ अनफोल्ड हो रहा है, यहाँ बिल्कुल 200 मीटर मेरे पीछे। हमारा प्रोग्राम जारी है। हम जनूबी वज़ीरिस्तान में अभी मौजूद हैं, ये लास्ट चेक पोस्ट है, क्योंकि बिल्कुल हम आपको फेंसिंग दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान ने बाड़ लगाई है। बाड़ लगाने का मकसद इस सरहद को दहशतगर्दों की नकलो हरकत से महफूज बनाना है।
لیکن افغانستان کی حکومت اور پچھلی حکومت بھی، کرزائی صاحب کی حکومت بھی اور ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت بھی کچھ زیادہ خوش نہیں باڑ لگانے سے، اور میں نے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کے ظاہر ہے اپنے کنسرن ہوں گے، اپنے تحفظات ہوں گے، کچھ لوگوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ ذرا اس ایشو پر بات کریں گے ابھی، کیونکہ اگر دہشت گردوں سے افغانستان کو خطرہ ہے، ان کے شہروں کو خطرہ ہے، ان کی حکومت کو خطرہ ہے، تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان اپنے پیسے خرچ کر کے باڑ لگا رہا ہے، وہ ویلکم کرتے، وہ سپلیمنٹ کرتے۔ ہم بات کریں گے اس ایشو پر۔ طاہر خان صاحب مسلسل کام کر رہے ہیں اس ایشو پہ، پاک افغان تعلقات پہ، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹس جو اندرونی ہوتی ہیں ان پہ رپورٹنگ کرتے ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو پوائنٹ میں نے آپ سے ریز کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا، خوش ہونا چاہیے تھا افغانستان کو۔ جو میں نے باڑھ دیکھی، 12 فٹ اونچی باڑھ ہے، 2 رویہ ہے، اس کے اوپر پھر کرو بنایا ہوا ہے، ادھر سے اتنی ایکسائٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی۔ شکریہ آپ کا فراچا صاحب۔ یہاں جو ہمیں بریفنگ دی گئی ہے صحافیوں کو، اس میں جو مجھے ایک اہم جو محسوس ہوئی ہے کہ افغانستان کا ان کو اس وقت جو یہ باڑھ لگا رہے ہیں ان کو حمایت حاصل ہے، یہ کہا گیا۔ اور یہ بھی ابھی میں نے سنا ایک فوجی افسر سے کہ جب یہ پلان کر رہے تھے اسی جنوبی وزیرستان میں، یہ انگور اڈہ ہے، ایک بڑا سرحدی یہ پوائنٹ ہے، تجارت کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، تو کہ افغانس کو بلایا تھا، کیونکہ یہ افغانستان ہے، یہ مشرقی افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے، یعنی اعتماد سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ اور ابھی کبھی کبھی میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں تو شاید اس میں کچھ مبالغہ رائی ہوتی ہے، ہم نے یہ سنا تھا کہ افغانستان اس کو الاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ابھی تک اس کو سرحد تسلیم نہیں کرتے، ڈیورن لائن کہتے ہیں اس کو، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں ساتھ یہ قریب افغانستان کا وہ چیک پوسٹ ہے، یہ پیچھے چیک پوسٹ ہے، بالکل 2 کلومیٹر اس کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے، ایسے ہی ایسے ہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سانگڑھ کمپلیکس ہے، باقاعدہ سیکورٹی کمپلیکس بن گیا، تو میرے خیال میں شاید وہ لوگ بھی اس سے مطمئن ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں تھا کہ جناب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، زیادہ گلہ شکوہ تو افغان حکومت کو تھا، بالکل۔ یہ باہر جا کر لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بھی کوئی نہیں جائے گا، ان کے جو مسائل ہیں وہاں سے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آج ہو سکتا ہے، جو فوجی افسر نے یہاں بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ ادھر سے ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے، بالکل۔ لیکن جب بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، فار ایگزامپل وہی پشاور والا تورخم بارڈر پہ جب یہ ہم نے لگایا سارا سسٹم، تو انہوں نے تو فائر بھی کیا ایک بار، آپ کو یاد ہوگا۔ مینجمنٹ جو کرنی ہے بارڈر پہ، کیا اس کا صرف ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس طرح سے فینس لگا کر، بارڈ لگا کر، چیک پوسٹیں بنا کر، فورٹس بنا کر، اور جو بایو میٹرک بنا کر، یہ جو ڈیور اینڈ بارڈر ہے یہ اب مستقل ہو جائے گا، کیا محض اس وجہ سے وہ اپوز کرتے رہے؟ جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر اگر ایک ملک میں یہ سوچ ہو کہ یہ کام بہت اہم ہے، اس کو ہونا چاہیے، تو شاید اسی مثبت والے کام کو بھی وہاں منفی انداز سے دیکھا۔ تو وہ پہلا آغاز تھا، اصل میں جو جون گزشتہ سال ہوا تو وہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا، کیونکہ سالوں سالوں سے، یعنی چلو اگر ماضی کی تاریخ پہ ہم نہ جائیں، لیکن چلو جب سے برٹش نے سابق افغان اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ، میر عبد الرحمن خان کے ساتھ، یہ جب معاہدہ کیا کہ اس طرف برٹش انڈیا ہو، پاکستان تو نہیں بنا تھا اس وقت، تو لہٰذا وہ ایک چیلنج تھا پاکستان کے لیے، اس وجہ سے وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد، کیونکہ بعد میں بیٹھنا پڑا نا، بعد میں تورخم پہ جب دونوں سائڈ پہ کوئی ادھر بھی بیٹھنا پڑا، پھر چمن میں جب مردم شماری کے ایک دیہات میں وہ واقعہ ہوا، پھر بھی بیٹھنا پڑا، اس نے مسئلہ تو حل نہیں کیا نا، مسئلہ پیچیدہ کیا، اور جو مسئلہ حل ہوا بیٹھنے سے، تو لہٰذا، اور یہ جو میں جس طرح شروع میں کہا، اب جب شاید جب اسلام آباد میں ہم ہوتے تو سنا تو تھا کہ باڑ لگ رہی ہے، لیکن اتنا وہ نہیں تھا کہ جناب ایک پورٹ بنے گا، جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ 1200 فٹ یہ جو ٹاور کھڑے ہیں، پھر ٹاور بعد میں بنیں گے، 3 منزلہ ٹاور بنیں گے، بہت بڑا کام ہوا ہے، یعنی ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ صرف جنوبی وزیرستان کا چھوٹا سا حصہ ہے، تو میرے خیال میں اس کی یہاں ضرورت محسوس کی ہوگی، یہاں لوگوں نے محسوس کی ہوگی، اور میرے خیال میں افغانستان کو بھی اس کو فائدہ ہوگا۔
बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम हो चुका है, शायद एग्री करता हूं मैं कि इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में या पिंडी में या मुल्तान में फैसलाबाद में बैठकर कोई बताता तो हमें थोड़ा बहुत शकूक व शुबात होते कि इतने मुख्तसर वक्त में इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम यहाँ फिज़िकली खड़े होकर मैं फिर कहूँगा ये पख्तिका है, पीछे बामर उनका डिस्ट्रिक्ट है और ये शाकिन वैली है, ब्लडी वैली रही है जब शुरू में जब वॉर ऑन टेरर का आगाज़ हुआ। लेकिन अभी नादरीन आपको पीछे अमन भी नज़र आ रहा है, खामोशी भी नज़र आ रही है, बाढ़ भी लगी हुई नज़र आ रही है और जिस तरह पाकिस्तान का प्लान है कि ये सर्वेलेंस होगी, इसकी राउंड द क्लॉक 3 मंजिला टावर बनेंगे और इस तरह से पाक अफगान सरहद को महफूज बनाया जाएगा। और यहाँ पर जीओसी ने अश्योरेंस दी कि 1 इंच भी पाक सरजमीन का वो अनसर्वेलेंस नहीं जाएगा। पाकिस्तान के भी कंसर्न हैं, अफगानिस्तान के भी कंसर्न्स हैं और जो अफगानिस्तान के कंसर्न्स आते हैं ऑन एयर होते हैं, उनके लीडर्स बोलते हैं, बराह रास्त पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसको किसी हद तक जो दीगर आलमी फोर्सेज हैं अफगानिस्तान में वो भी सपोर्ट कर रही होती हैं। इंटरनेशनल कंसर्न्स के हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। फरहत जावेद साहिबा हमारे साथ हैं, ये एक आलमी खबर रसां इदारे के साथ काम करती हैं। बहुत शुक्रिया। आपने ब्रीफिंग भी सुनी, जीओसी मेजर जनरल नुमान जकरिया साहब ने ब्रीफ़ किया, जो टोटल प्लान है उन्होंने अनफोल्ड किया कम अज़ कम 11 कोर के अंडर जो है। फिर आपने फिज़िकली ख़ुद भी ये बाढ़ देखी, सर्वेलेंस के हवाले से भी आपको बताया गया। जो आलमी कंसर्न्स आते हैं पाकिस्तान के ऊपर भी बराह रास्त आ रहे होते हैं या इस फिनोमिनन जिसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, उसके हवाले से आज ये सारा मेकनिज़म ये इंतज़ाम देख के आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू शोकत साहब। मैं ये समझती हूँ कि जो फेंसिंग की जा रही है, आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि वो जो एक कंसर्न रेज किया जाता है, जैसे अभी हाल ही डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच पे भी कहा गया कि पाकिस्तान के पास सेंचुरीज हैं और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है मिलिटेंट्स की, तो आई थिंक उसको कंट्रोल करने का ये फर्स्ट स्टेप है और ये बहुत पॉजिटिव है। खासतौर पर बड़ी हद तक एक तो मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ऑन बोथ साइड्स। जो अफगानिस्तान के कंसर्न हैं वो जो इल्ज़ाम सामने आते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं वो कंसर्न्स भी दूर होंगे और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को शिकवा रहता है कि अफगानिस्तान से मिलिटेंट्स यहाँ आ रहे हैं वो भी, उसका भी खात्मा होगा। और फिर उसके बाद जैसे अभी हमें ब्रीफिंग भी दी गई, एक सर्वेलेंस का एक जो पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत हेल्पफुल भी होगा कंट्रोल करने के लिए ये तमाम जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये पाया तकमील को पहुँच जाता है तो वंस फॉर ऑल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस किस्म के इशूज़ हैं जो कई डेकेड से चल रहे हैं वो शायद ख़त्म हो जाएँ। आलमी बरदरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस खत्े में कनेक्टिविटी पे भी बड़ा ज़ोर देती है। वो कहते हैं कि जी ये रीजनल ट्रेड होनी चाहिए, पाक अफगान ट्रेड अनरेगुलेटेड ट्रेड थी, मैसिव ट्रेड रही है, पाकिस्तान की बहुत एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान के लिए हैं, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड पाकिस्तान की वो अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल ट्रेडिंग पॉइंट्स है वो बंद हो रहे हैं, मसलन इस रीजन में जहां हम खड़े हैं 7 पॉइंट्स बताए गए जिनमें सिर्फ एक अब खुला है अंगूर अड्डा और उस पर बॉर्डर मैनेजमेंट हो जाएगी। ये ट्रेड के हवाले से, रीजनल ट्रेड या बायलैटरल ट्रेड या कनेक्टिविटी के हवाले से भी बात की जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जो इल्लीगली पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते थे इल्लीगल रास्तों से जो ट्रेड हो रही थी चाहे वो, तो वो कहीं काउंट नहीं करती मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। तो ट्रेड वही काउंट करेगी जो वो प्रॉपर रेगुलेटेड जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स है वहाँ से अंदर आएगी। तो अगर पाकिस्तान ये जो फेंसिंग की जा रही है और तमाम जो सेटअप तैयार किया जा रहा है, अगर तो ये तमाम मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद रेगुलेशन हो जाती है और जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं प्रॉपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो खोल दिए जाते हैं, तो यकीनन ट्रेड के रास्ते तो खुले रहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बल्कि उसके रास्ते दीगर मुल्कों के साथ भी। तो आई थिंक रेगुलेटेड जो ट्रेड होती है बेसिकली तो इकोनॉमी को वही स्ट्रेंथ दे रही होती है, अनरेगुलेटेड ट्रेड तो कहीं पर भी नहीं है। तो इसकी कंप्लीशन से मैं ये समझती हूँ कि वो जो आपने कनेक्टिविटी की बात की वो चैनलाइज्ड हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।
فرد جاوید صاحبہ عالمی ایک خبر رساں ادارے کے ساتھ کام کرتی ہیں، انٹرنیشنل کنسرن کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی اور کنیکٹیویٹی پر، دنیا آج کل کنیکٹیویٹی پہ زور دیتی ہے، ایک ریجنل کنیکٹیویٹی ہو، بائی لیٹرل کنیکٹیویٹی ہو، لیکن اس کے لیے دو خود مختار ریاستوں کے درمیان ریگولیٹڈ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سرنگ بنا کے یا کسی ندی نالے میں لوگوں کی آمد رفت شروع ہو جائے، وہ بذات خود ملکی ٹریڈ کو اسٹرینتھن نہیں کرتی، سپلیمنٹ نہیں کرتی۔ بارڈر مینجمنٹ کا یہ کام صرف جنوبی وزیرستان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ شمالی وزیرستان میں بھی بڑے زور و شور سے یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ کل اپنے پروگرام میں شمالی وزیرستان میں انہی اقدامات پر ایک خصوصی پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔